हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा, ये सैमसंग का मशीन है 6.8 केजीज का, एक डायमंड ड्रम मॉडल है, एजी प्लस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने डोर स्विच बाईपास कर दिया है, आपको मैं खोल के बता सकता हूँ। तो मैं पहले पावर ऑन करूँगा, स्पिन मोड में से चेक करेंगे। ड्रेन मोटर शुरू हो गया है, इसमें बेरिंग का साउंड आ रहा है। इसमें ऑयल जिसका जो वाटर सील होता है ख़राब हो गया है और वाटर इसमें बेरिंग्स में चले गए हैं और बहुत तेज़ से साउंड कर रहा है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म जो है इसका चेंज करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसा इसे खोलना है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो स्विच ऑफ करेंगे पहले इसे, इसका पावर भी निकाल देंगे, प्लग भी निकाल देंगे। हमेशा पावर प्लग निकाल के काम करिएगा। तो पहले हम इसकी वायरिंग डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इसमें पीछे दो स्क्रू रहेंगे, ये निकालना है, ये और एक इसका कैप निकालेंगे। तो इसमें रहेगा ये जो मोटर पे जा रहा है, इसे पहले निकालेंगे कनेक्टर को। और बाद में इसका प्रेशर स्विच का पाइप निकालेंगे, इस तरह निकालना है। इसको नीचे छोड़ देंगे, ठीक है, नीचे चले गया है। अब हमें इस सेक्शन को पूरा हटाना है, तो पहले अभी ये भी निकालेंगे, इसका कंट्रोल पैनल निकालेंगे। इसमें दो स्क्रू रहेंगे, यहाँ और वहाँ। ये स्क्रू काफ़ी जंग खा गए हैं, बाद में हम इसमें नए स्टील के स्क्रू डालेंगे। इसको आपको ऐसा उठाना है, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको दो स्क्रू और नज़र आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो भी दोनों खोलेंगे। तो आपका ये लूज हो चुका है, अब हम कंट्रोल पैनल फिर वापस रख देंगे इसमें। तो इसे बंद करेंगे। अब इसमें भी ये पावर कॉर्ड रहेगा, इसका अर्थिंग भी निकालना है, सो दैट ये पूरा सेक्शन ऊपर आ जाएगा। और अर्थिंग इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, तो पहले ये शीट निकालेंगे बैक साइड का, और एक अर्थिंग का स्क्रू है यहाँ पे, इसमें अर्थिंग का वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो अर्थिंग अब हमारा निकल चुका है, और जो ये मोटर पे नीचे जा रहे हैं वायर, मोटर पे और ड्रेन मोटर पे, इसको ऐसे स्लाइड करेंगे। अब ये सेक्शन पूरा उठा देंगे हम, ये देखिए ये पूरा अलग हो चुका है, दे सकते हैं। अब हमें फर्स्ट ये पल्स लीटर निकालना है, तो आपका एक कोई स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, और इसमें एक ढक्कन होता है, इसे पहले निकालना है, और इसमें एक नट रहेगा। अब हमें पल्सेटर का बोल्ट खोलेंगे, ये 10 mm का है। कभी कभी पल्सेटर खुलता नहीं है, बहुत वो पानी से जाम हो जाता है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो मेरे उसमें देख सकते हो। वो वीडियो का नाम रहेगा ट्रिप्स एंड ट्रिक हाउ टू रिमूव पल्सेटर।
तो ये पंसेटर का नट खोल गया है, थोड़ा बहुत सतह ठीक आराम से निकल गया है। इसमें जो नट लगा हुआ है इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, बहुत स्केलिंग आ गया है इसमें, ये आसानी से खुलेगा नहीं। 99% तो खुलते नहीं है, काटना ही पड़ता है, पर हम ट्राई करेंगे इसे खोलने के लिए। तो पहले इसे मैं डाइल्यूट करूँगा, थोड़ा उसमें एसिड डालूंगा सो दैट इसके अगल बगल का पूरा निकल जाएगा स्केल। ये मेरे पास एक एसिड है, या अभी कोई भी एसिड डाल सकते हैं बाथरूम क्लीनर का, थोड़ा लूज कर देगा इसे। इसे हम एक 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसका फिर ट्राई करते हैं इसे खोलने की। काफी मेहनत कर रहे हैं पर तभी भी नहीं खुल रहा है। एक बार इसे एक साइड सपोर्ट लगा के घुमाना पड़ता है, काफी देर हो चुका है नहीं हो पा रहा है। अब इसका आखिरी सॉल्यूशन यही रहेगा कि हमें नट काटना पड़ेगा, नहीं खुलेगा, छोड़ दीजिए, अभी नट काटना पड़ेगा। तो चलिए अब नट काटते हैं। अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ कट करना रह गया है, नट को मैं यहाँ से कट करूँगा ग्राइंडिंग मशीन से। देखिए प्लग ऑन करो, ठीक है। तो कट हो गया है, तो मैं इसे एक बार स्क्रू ड्राइवर से तोड़ता हूँ। ठीक है, कट गया है, कट गया है। अब एक बार हम इसमें 38 mm का पाना डाल के घुमाएंगे, खुल जाना चाहिए आराम से। नहीं खुल रहा है, दूसरी तरफ काटूंगा इसे, नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ से काटूंगा मैं इसे। कट हो गया है, ठीक है। फिर से एक बार पाना डालता हूँ, काफी मुश्किल का काम होता है। नहीं, अब तो ये फ्री हो गए। हथौड़ी से मार के देखता हूँ, खुल रहा है, एक देख सकते हैं। एक्चुअली एल्यूमिनियम का नट है। चलिए फिर आगे आप क्या करना बताते हैं। तो चलिए अब हमारा ये खुल गया है, अब हमें ये ड्रम बाहर निकालना पड़ेगा अंदर का। इसके लिए आपको लिए ये का जो रिंग होता है ना, रिंग निकालना पड़ेगा। तो रिंग निकालिए, इसमें 4 स्क्रू होते हैं, यहाँ एक है, वहाँ एक है।
एक स्क्रू यहाँ है, यहाँ एक स्क्रू है, यहाँ एक स्क्रू है। ये स्लिप हो चुका है, ये देखिए जंग खाने से ये भी स्लिप हो गया है। तो इसका एक ही तरीका है निकालने का, या तो आप सॉल्डरिंग गरम गरम यहाँ लगा के इसको ऊपर उठा सकते हैं, या तो मशीन से इसे काट के आपको निकालना। तो मैं बताऊंगा कैसा करना है, फिर कटिंग मशीन लूँगा और इसे मैं यहाँ पर एक कट मार्क मारूँगा। कट मार्क बन गया है माइनस का, हम इसे खोलते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई स्क्रू जंग खा गया है, इसमें ग्रिप निकल गया है, तो मशीन से कट मार करके माइनस बना सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। इसे भी ऐसे करते हैं, आसान तरीका है, इस तरह से आप स्क्रू निकाल सकते हैं। तो अगर प्लेट निकल गया है, इसमें जो ठीक है, अब ये ड्रम हम बाहर निकालेंगे, इसमें काफी टाइम लगेगा, काफी जाम है, काफी कोशिश करने के बाद भी ये ड्रम ऊपर आया नहीं। तो हम इसे दूसरी तरीके से करेंगे, ये पूरा हटा देंगे मशीन में से ये पूरा सेक्शन। तो पहले हमें वायरिंग निकालना पड़ेगा जो बॉडी पे लगा हुआ है, इसमें क्लिप्स रहते हैं छोटे छोटे, ये कैपेसिटर का वो है। ये निकल गया है कैपेसिटर, यहाँ पर अर्थिंग का स्क्रू है, नीचे भी एक टाई लगे हुए हैं जो होल्ड करते हैं वायरिंग पे, इसमें एक अर्थिंग का स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, तो वायरिंग पूरी निकल चुकी है इससे। अब हम शॉक एग्जॉस्ट निकालेंगे, और जब कभी भी आप शॉक एग्जॉस्ट निकालते हैं तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें कलर कोड होते हैं, ये वाइट है, फिर पीछे वाइट है, फिर रेड है, इस तरह का है। तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं कौन सा किधर का है, तो हम मार्किंग करेंगे इसे, मार्किंग करेंगे हम, आप भी इस तरह से मार्किंग कर लीजिए, रेड इधर है, ये वाइट है, डब्ल्यू लिख देंगे। इस तरह से मार्किंग करने से बाद में आपको तकलीफ नहीं होगा, अगर शॉक अब्जर इधर का उधर चेंज हो गया तो आपका बैलेंसिंग नहीं होगा। तो ठीक है, तो मार्किंग हो चुका है, अब हम शॉक अब्जर निकालेंगे। आपको ड्रम को थोड़ा ऐसा ऊपर उठाना है, बस बहुत आसान होता है, ये देखिए सिर्फ नीचे खांचे में बैठा हुआ रहता है, फिर उसको आपको उठाना है, थोड़ा सपोर्ट देके वो नीचे गिरेंगे। अभी पूरा सेक्शन हम ऊपर उठा देंगे, चलिए अब इसको नीचे रखते हैं। मशीन को हमने घुमा दिया है, अब हम ये सेफ्टी कवर निकालेंगे पहले, दो स्क्रू रहेंगे अपोजिट साइड में, ड्रेन का रबर निकालेंगे पहले, ठीक है निकल गया है। अब हम बेल्ट निकालेंगे,
ठीक है, तो ये सेक्शन हट गया। अब इसमें चार बोल्ट रहेंगे गियर मैकेनिज्म के, 1, 2, 3, 4 ये निकालेंगे। हमारे ये चारों नट निकल गए हैं। अब हम ये मैकेनिज्म को अंदर से ठोकेंगे, जैसे ठोकेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। हमने ये स्टूल पे रख दिया है, तो जब हम ऊपर से ठोकेंगे तो ये गियर बॉक्स नीचे गिर जाएगा। तो आप इस तरह से दो चीज़ पे इस पर रख सकते हैं। तो हम पहला एक बार W240 मारेंगे इसमें। सो दैट इससे आसानी से निकल जाता है। अब हम इसे ठोकेंगे, कोई भी एक लंबा वो ले सकते हैं आप रॉड, और ऊपर से थोड़ी से मारते रहिए। आराम से निकलता रहेगा वो। ये निकालने में अब निकलने वाला है, निकल गया है। ये देखिए इसकी हालत कैसी हो गई। हमें कम से कम 1 घंटा लग गया था ये सब निकालने में, हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, काफ़ी टाइम हो जाएगा। देखिए पूरा टूट गया है सब। तो अभी ऊपर का ये भी ड्रम निकाल देंगे, इनसाइड वाला। ये देखिए इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। ये देखिए अब हम इसे पूरा एसिड वॉश करेंगे, बिल्कुल नया बना देंगे। तो चलिए पूरा इसको वॉश करेंगे। सर्विसिंग करने से पहले हमें बेस प्लेट निकाल देंगे, 5-6 स्क्रू रहेंगे ताकि हमारा मोटर में पानी नहीं जा पाए।
देखिए पूरा सर्विसिंग हो गया है हमारा, नया जैसा हो गया अपना मशीन। तो हम फिर से असेंबल करते हैं, नया गियरबॉक्स डालते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा प्लेट मोटर फिट हो चुका है। हम इसकी भी ड्रेन मोटर की हालत ख़राब है, इसमें एक नया ड्रेन मोटर डालेंगे। और जो ये वाल है डंप वाल ड्रेन का, ये भी हम नया डालेंगे। ड्रेन मोटर और डंप वाल ड्रेन का दोनों फिट हो चुके हैं। अब हम इसमें गियर बॉक्स फिट करेंगे। ये हमारा नया गियर बॉक्स है। चलिए इसको फिट करते हैं। देख सकते हैं जैसा मैकेनिज्म पूरा फिट हो गया है। ड्रेन गियर का एक लीवर है छोटा सा, जो इसको पुल करता है, इसे फिट कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं। ये लग गया है। अब बेल्ट लगाते हैं इसमें। ये नई बेल्ट है, जब कभी भी आप मैकेनिज्म चेंज करते हो तो बेल्ट बदलना ज़रूरी है। देखिए सेम नंबर का बेल्ट है, पहले छोटे इसमें लगाना है आपको मोटर में, उसके बाद फिर यहाँ से स्लाइड करना है। बेल्ट भी फिट हो गया है। अब इसका एक सेफ्टी कवर लगाते हैं। तो हो चुका है परफेक्ट। अब मैं इसे पलट दूंगा और इसके अंदर ये ड्रम फिक्स करूंगा। रेडी है आउटर, इसमें थोड़ा बहुत रस्ट आ गया था, हमने पेंटिंग कर दी अंदर पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे। तो चलिए पहले आउटर ड्रम फिट करते हैं इसका, एज इट इज जैसा पहले आपको बताया था खोलना कैसा, फिर सेम फिट ऐसे ही करना है आपको। ड्रम लगेंगे हम लोग। और ये वाला नया नट है, पिछली बार हमने काट दिया था जो पुराना वाला था, अब ये नया नट लगाएंगे। Thank you.
तो हमारा इनर ड्रम भी फिट हो चुका है, अब इसका एक आउटर कवर लगाएंगे और उसमें नए स्टील के स्क्रू लगाएंगे। हो चुका है हमारा, अब ऊपर टॉप पैनल लगाएंगे, उसका वायरिंग भी करेंगे पूरा, नीचे जो खोले थे। फिटिंग पूरा हो चुका है कंप्लीटेड, एक ट्रायल रन से करते हैं। डोर स्विच अभी भी बाईपास में है, एक बार ऑन करता हूँ। एकदम स्मूथ है, एक बार स्पिन करके देखते हैं। हम इसका साउंड आप सुन सकते हैं। स्मूथ है एकदम ठीक है। इसमें वाटर डाल के एक बार टेस्ट करते हैं। ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने मैन्युअली वाटर डाल दिया है, लो लेवल में रखा है। इसके अंदर एक हमने हमारा टूल बैग डाल दिया है। यहाँ कुछ हमारे वर्कशॉप में कुछ है नहीं, वो एक ही बचा था। चलो दो काम हो जाए, टेस्ट भी हो जाए और धुलाई भी हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए काफ़ी गंदा भी है हमारा बैग, तो बहुत स्मूथ से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने का शुक्रिया, और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।